जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइज ड्यूटी टॉपिक के विषय में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी कब और किसको पे करनी होती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं ये कंप्लीट वीडियो एक्साइज ड्यूटी पर है जिसको हम अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्साइज ड्यूटी बेसिकली एक तरीके का एक टैक्स होता है, एक कर होता है, या फिर आप इसको एक चार्ज भी कह सकते हैं। दोस्तों ये चार्ज लगाया जाता है भारत की केंद्र सरकार और भारत की राज्य सरकारों द्वारा। दोस्तों अब बात आती है कि चार्ज आखिर किन प्रोडक्ट्स पर या किन आइटम्स पर लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये तब लगाई जाती है जब हमारे देश के अंदर किसी जो प्रोडक्ट है या कोई भी गुड्स है, किसी भी तरीके का कोई सामान है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उसको हमारे देश के अंदर बनाया जाता है, तो उस समय वहां पर एक्साइज ड्यूटी नाम का ये जो टैक्स है, जो कर है, ये भारत की केंद्र और सरकार जो राज्य सरकार है उनके द्वारा लगाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी को पे करना होता है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश में जीएसटी नहीं आया था, यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी ये एक अलग टैक्स के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट पर लगाया जाता था। लेकिन जब से एक्साइज ड्यूटी हमारा जीएसटी आने के बाद से क्या हुआ है कि बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ मिलाकर जीएसटी के अंदर ला दिया गया है, तो ऐसे में एक्साइज ड्यूटी भी उन्हीं में से एक है जिसको अब अलग से ना लगाकर जीएसटी के अंदर ही प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी को अलग से लगाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम के पदार्थ, यानी कि पेट्रोलियम से हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल वगैरह, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इन पर एक्साइज ड्यूटी को अलग से लगाया जाता है। साथ ही लिक्वर, यानी कि जो शराब के प्रोडक्ट्स होते हैं, शराब जो बनती है, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी को अलग से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों यहां पर जीएसटी के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की जाती है उसको दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो यहां पर जीएसटी के अंदर जितना भी कलेक्शन आता है एक्साइज ड्यूटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने राज्य में पेट्रोलियम और लिक्वर, यानी कि शराब के जो एक्साइज ड्यूटी आती है उसको वो सरकार, जो राज्य सरकार है, वो यहां पर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जानना है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं, उन पर क्या चार्जेस लगते हैं, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट का नाम था एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी हो जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट पर आपको कौन सा कितना एक्साइज ड्यूटी के नाम पर चार्ज देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है ये कब आपको देना होता है और किसको देना होता है। तो दोस्तों यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए।